दोस्तों केन विलियमसन ने पहुंचाया भारतीय टीम को WTC फाइनल में। और दोस्तों अब केन विलियमसन के बदौलत भारतीय टीम WTC फाइनल में पहुंच गई है। और दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया खिलाफ खेलेगी WTC फाइनल। तो दोस्तों क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों यह जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बता दूं कि पहले पारी में श्रीलंका ने 355 रन बनाए, वहीं पे दूसरी पारी में 302 रन, वहीं पे पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 373 रन बनाए, वहीं पे दूसरी पारी में 285 रन बनाए। और दोस्तों सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि केन विलियमसन डटकर श्रीलंकाई गेंदबाज को सामना किया। और दोस्तों आपको बता दूं कि जहां पे सभी बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते जा रहे थे, वहीं पे केन विलियमसन ने डटकर श्रीलंकाई गेंदबाज का सामना कर रहे थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने एक बेहतरीन और धमाकेदार शतकीय पारी खेल दिया है। दोस्तों न्यूजीलैंड को मैच भी जिता दिया है। और दोस्तों इसी जीत के साथ भारतीय टीम WTC फाइनल में पहुंच गई है। और दोस्तों इनका सबसे ज़्यादा श्रेय केन विलियमसन को मिलता है, क्योंकि दोस्तों अगर केन विलियमसन डटकर बल्लेबाजी नहीं करते तो दोस्तों भारतीय टीम WTC फाइनल में नहीं जा पाते। और दोस्तों बता दूं कि केन विलियमसन 121 रन बनाए 194 गेंदों में, जिनमें 11 चौके और 1 छक्के लगाए। दोस्तों बता दूं कि केन विलियमसन की तूफानी पारी से भारतीय टीम को WTC फाइनल में खेलने का मौका मिला है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से यह मैच खेला जाएगा WTC फाइनल। और दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फिर से एक बार घमासान महासंग्राम देखने को मिलेगा WTC फाइनल का। और दोस्तों आपको बता दूं कि केन विलियमसन के बदल थी न्यूजीलैंड भी जीत गया। और दोस्तों आपको बता दूं कि अब श्रीलंका भी बाहर हो चुकी है। और दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया अब WTC फाइनल खेलने के लिए दावेदार पेश कर दिया है। और दोस्तों इसके बदलते भारतीय टीम अब WTC फाइनल टेबल में दूसरे नंबर पर शामिल ही रहेंगे और दोस्तों WTC फाइनल भी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग केन विलियमसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट में जरूर दे, वीडियो देख कहां से रहे हैं ये भी लिखना बिल्कुल ना भूलें।